करेंगे। तो आज एक जो चलता फिरता एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है, भैया हम तो सामान हमारे घर में खुद की किराना का स्टोर है, एक तो या इस तरह बोल सकता है या बोल सकता है कि भैया हम तो कैंटीन से लाते हैं, भैया हमारा तो कैंटीन से फिक्स है, हमें तो सामान सस्ते मिलते हैं, हम आपका सामान क्यों लें। तो इस चीज को मैं आपको डिलीवरी करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक को अगले 2 से 5 मिनट में। कौन प्रोस्पेक्ट बनना चाहेगा? लास्ट टॉपिक है हमारे इस मीटिंग का, कौन प्रोस्पेक्ट बनना चाहेगा? सर मुझे सब समझ में तो आया, लेकिन सर मैं सामान कैंटीन से लेती हूँ। कहाँ से लेती है सारा जी? सर कैंटीन से लेती हूँ, हस्बैंड सर पुलिस में है ना, तो हमें कैंटीन से मिलता है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड सारा जी इस पोस्ट पे हैं कि आप कैंटीन से सामान लेते हो सारा जी। अच्छा, आप आज के समय में जो लोग मतलब आर्मी में जॉब करते हैं सारा जी, कितना पेन होता होगा ना, कितना कहते हैं ना दिल पे कितने वो दर्द लेके चलते होंगे सारा जी, है ना, पता हमारा नहीं होता हमारे। आपसे सारा जी क्या लगता है आपके हस्बैंड को, आपको पता होता है वो कब घर आएंगे कब घर नहीं आएंगे? सारा जी आपको कुछ पता होता है कि आपके हस्बैंड घर आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं सर, वो तो थोड़ा डर तो लगा रहता है। और आपके मन में भी ये डर लगा रहता होगा सारा जी कि कल पता नहीं कल का सूरज वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। इफ यू डोंट माइंड, मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रहा हूँ, बस मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, बड़ा डर लग रहा था। आप लोग बहुत हिम्मती लोग हैं सारा जी कि आप लोग इतना बड़ा जज्बा लेके आप लोग चल रहे हो सारा जी। जी सर, ये वो तो बात है, लेकिन सर आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन सर हम लोग कैंटीन से लाते हैं, 2-2 महीने का सामान सर भरते हैं। सारा जी मैं कैंटीन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप कैंटीन से 2-2 लाख रुपए का सामान लाओ, मैं आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ सारा जी, मैं आपसे जाना। अच्छा सारा जी आप मुझे ये बताइए, आपको पता है कि कभी जब भगवान कैसा ना हो कि जो भी आर्मी में लोग काम करते हैं, लोग कहते हैं कि आर्मी में जो लोग काम करते हैं उनके साथ कभी दुर्घटना हो जाती है, तो आपने कभी सुना हुआ है आपके दोस्त, आपके हस्बैंड के दोस्त या किसी के साथ दुर्घटना हुई तो सरकार कुछ पैसा देती है, राइट? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो सुना है। अच्छा उसके बाद सारा जी क्या जिंदगी में बदलाव क्या आता है लोगों के घर में, कैसे उनके घर का खर्चा चलता होगा सारा जी, जिनके घर में लोग जो लोग आर्मी में काम करते हैं, कैसे चलता है सारा जी? आप बता सकती, कोई लोग को जानती हैं आप ऐसे, आपके हस्बैंड के या वाइफ या कोई दोस्त के वाइफ आपके हस्बैंड के, उनका घर का खर्चा कैसे चलता होगा सारा जी? सर थोड़ा बहुत टेंशन वगैरह तो सर आता है, लेकिन उसमें सर मतलब अपना अच्छे तरीके से लाइफ सर नहीं चलता है। नहीं चलता है, बिल्कुल सही कहा सारा जी। सरकार चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि हम किसी के शहीद होने पे हम 10 लाख देंगे 20 लाख देंगे, लेकिन सारा जी रियल टाइम पे पैसा घर तक नहीं पहुंचता। अब आप जरा सोचिए कभी इन फ्यूचर में हमारे साथ, मैं आपके साथ, हमारे साथ कभी ऐसा हो जाए कि जो हमारा आदमी घर में कमा रहा है उनके साथ कभी कुछ हो जाए तो घर का खर्चा कैसे चलेगा सारा जी? आप जरा सोचिए सारा जी। मैं आपके पास यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा हूँ कि आप कैंटीन से सामान ले रहे हो या आप मार्केट समझ, सामान तो आप कैंटीन के अलावा दुनिया के किसी भी कोने से ले सकते हो, लेकिन सारा जी एक बात आप मुझे बताइए, क्या कैंटीन के सामान लेने से आप अपने घर की रोजी रोटी चला सकते हो? कैंटीन के सामान लेने से नहीं सस्ता नहीं चला सकते, लेकिन सारा जी यहाँ पे मोदी केयर से सामान लेके आप अपने घर की रोजी रोटी चला सकते हो, इनकम चला सकते हो। सारा जी मैं आपको इनकम अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ, मैं आपको सामान नहीं देने आया हूँ। सामान तो आप, तो मैं तो कहता हूँ सामान तो आप मोदी केयर से भी सस्ता खरीद सकते हो, लेकिन क्या वो सस्ते सामान खरीद के आप पैसे कमा सकते हो सारा जी? नहीं सर, अभी अभी जैसे कि आपने अपने प्लान में बोला डिस्काउंट है सर, कैंटीन से हमें 30% तक डिस्काउंट मिलता है, वो एक है आपके प्लान में, उससे यहाँ थोड़ा ज्यादा है। आदर्श तो जो आपने बोला वैसा तो नहीं हमको मिलता है। बिल्कुल सारा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपको सारा जी बिजनेस देने आया हूँ, मैं आपको कस्टमर बनाने नहीं आया हूँ। सामान तो आप कहीं से खरीद लो। अगर आपको मेरा बिजनेस प्लान समझ में आया तो आप बेशक आइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत हिम्मती लेडी हैं। आप इस पोजीशन में बैठो जहां पे अगले सूरज का किसी को ना पता हो। तो इंसान को अपनी जिंदगी में बैकअप प्लान बनाना चाहिए और सस्ते पैसे, मैं कहता हूँ जिंदगी भर आप कैंटीन से सामान लेते रहो, क्या कैंटीन वाला आपको पैसे दे के जाएगा? जब आपके घर में पैसा नहीं होगा नहीं देके जाएगा सारा जी। इसमें आपको बिजनेस देने हैं सारा जी। तो आप सामान सस्ते हैं महंगे उस चीज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की। तो मैं आपको अपने साथ बिजनेस के लिए लाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ बिजनेस के लिए नहीं आना चाहते तो आप जहां से सामान ले रहे हो लेते रहिए। मेरी नीयत नहीं है कि मैं आपको 150 का सामान बेच के चला जाऊँ और आपसे 10 रुपए कमा लूँ। मुझे 10 रुपए नहीं चाहिए सारा जी, मैं आपको बिजनेस देने आया हूँ। आपके फ्यूचर के बारे में मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ सारा। तो आपको अगर आना चाहते हैं, आप मोदी केयर में आना चाहते हो तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आइए, क्योंकि आपकी जिंदगी ज्यादा रिस्क पे है। आप जिस पोजीशन पे बैठो वो ज्यादा खतरे वाली घंटी है हमारे कंपेयर पे। आपका जो कलेजा है सारा जी, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा। तो सारा जी आइए स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आपसे बोलता हूँ आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ भी खोने को नहीं है, कुछ भी खोने को नहीं है आपके लिए। यहाँ पे पाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है सर। मैं करूँगी। ओके, थैंक यू। तो टीम ऐसे हम टैकल कर सकते हैं, कैंटीन वाले, किराना वाले, जो भी ऐसा बोलते हैं आप उन्हीं की मन की बात करो। मैं सामान बेचने नहीं आया, आपको मैं पंच लाइन बता रहा हूँ, सामान बेचने नहीं आया मैं आपको। पहले फील करो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर उनको महसूस कराओ कि मैं आपको बिजनेस देने आया हूँ। अगर आपको सामान सस्ते ही प्रायोरिटी है, आपकी जिंदगी का अगर सामान सस्ते प्रायोरिटी, तो मैं आपको कैंटीन से भी सस्ता सामान मार्केट में दिला सकता हूँ, कैंटीन से भी सस्ता, लेकिन उसके लिए मैं आपके पास नहीं आया हूं। बिजनेस समझ में आ रहा हो तो आप मेरे साथ आओ, क्योंकि आप ज्यादा रिस्क पे हो, मेरे से ज्यादा आप रिस्क पे हो, आपके हस्बैंड रिस्क पे, तो घर कैसे सिक्योर करेंगे, मैं घर सिक्योरिटी की बात करने आया हूं। तो इस चीज को आप ऐसे टैकल कर सकते हो। तो ये दोस्तों आज की हमारी ये मीटिंग रही है, और आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ चीजें आप अपने साथ जरूर ले जाना, जिन लोगों ने नोट्स बनाया हुआ है, और नोट्स पे आप हमें इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करना। ये एक दिन में नहीं आएगा, और रट के आप किसी को नहीं बता सकते हो, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। और मैं अपनी टीम के सारे लीडरों को ताली बजाना चाहूंगा, जिन्होंने इस टॉपिक को डिलीवरी करने के लिए मेरे साथ मेहनत की है, और अपने लिए मेहनत की है, और हमारी टीम को डिलीवर करने के लिए बताया हुआ है। तो अजय सर, अगर आप इस मीटिंग में, तो ओवर टू यू, अगर आप कुछ कंक्लूड करना चाहें। ठीक है, हमारे ख्याल से अजय सर हमारी मीटिंग में कहीं होंगे, बिजी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टीम, हम इस मीटिंग को आज यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आए यहाँ पे, आप लोगों ने चीज़ों को सीखा, और मुझे खुशी तब होगी जब आप इस चीज़ को अपने साथ लेके जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो हमारी और आपकी मेहनत सफल होगी। नहीं तो आप एक कान से सुनोगे, कल भूल जाओगे, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों के लिए, गुड नाइट एंड जय हिंद।